दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष है प्रभाग क्रमांक एक जरी पटका के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री दौलत कुंभवानी जी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी दीपावली का एक तबा शुभ पर्व है, तो आप ये बताइए कि आप प्रभाग क्रमांक एक में किस तरह से विकास कार्य हो रहा है, क्या स्थिति इस बारे में आप बताइए। सर्वप्रथम तो मैं दीपावली के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को जय झूलेलाल जय श्री राम और इस दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लक्ष्मी माता की आप पर सब पर असीम कृपा हो, सभी स्वस्थ और दीर्घायु रहें। इस प्रभाग में माननीय नितिन जी गडकरी तथा माननीय देवेंद्र जी फडणवीस तथा हमारे अध्यक्ष नागपुर शहर के श्री प्रवीण जी डटके तथा महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री बावनकुले जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद जो विकास की गति थम गई थी वो अत्यधिक तेजी से और पूरे प्रभाग में आपको दिखेंगी। और पहले भी जब कारपोषण मार्ग तक थी तो बहुत अच्छा काम भाजपा पार्टी ने किया है और इस काम में जो भी जनहित कार्य रहेंगे या जो भी आम जनता की समस्याएं रहेंगी पूर्ण रूप से मैं निदान करूंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं तथा मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छे से बीते, स्वस्थ रहे और जैसा प्यार आपने भारतीय जनता पार्टी पर पहले भी देखा है आगे भी मानपा चुनाव में अवश्य दिखाएंगे। कुंभवानी जी अभी देखा गया है कि यह भी बात सर्वविदित है कि आपके कार्यकाल में जब आप कांग्रेस में थे फिर भारतीय जनता पार्टी में आपका प्रवेश हुआ उसके बाद भी देखा गया कि आपका प्रभाग में सतत दौरे चले, हर तरह से प्रचार प्रसार हुआ, आज भी लोग समस्या का निराकरण करने आपके कार्यालय में आते हैं, तो आप बताइए किस तरह की आप समस्या का निराकरण करते हैं। जी जनता से जुड़ा मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा उनका सुख दुख का साथी हूँ। मैं कोई शोबाजी नहीं करता हूँ, जो भी मेरे से ताकत होती है माननीय नितिन जी गडकरी फडणवीस साहब विक्की कुकरेजा के मार्गदर्शन में जो भी पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश रहते हैं या जो शासकीय योजनाओं का फायदा होता है या किसी को दवा खाना ना जो भी रहता है मैं पूरी तरह से उनको सहयोग करता हूं और लोगों का विश्वास और प्यार मेरे साथ है, यही मैं चाहता हूं। कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा जनसेवा, मैंने व्रत ली कह रहता हूँ कि जनसेवा, भगवान ने मेरे को अपना सब कुछ दिया है, एक मुझे जुनून है कि मैं जनता की सेवा करूँ और उनके हर सुख दुख में उनका साथ खड़ा रहूँ, यही मेरी इच्छा है। पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी जो युवक है भ्रम निराश हो गए उनको पार्टी के मुख्य धारा में संगठित करके पार्टी को मजबूती करने के लिए आपका आगे की क्या रणनीति? सम्मानीय जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवक निराश नहीं हुए, युवक उत्साहित हुए हैं सरकार आने के बाद। युवक निराश हुए थे पूर्व के सरकार से कि उन्होंने एक दलगत राजनीतिक मतलब एक भेदभाव जो रखे थे। मैं तो आम जनता के लिए भाई किसी बीजेपी का कार्यकर्ता का काम नहीं करना, आम जनता का गरीब से गरीब और समाज के अंतिम नागरिक तक जनसेवा पहुंचना चाहिए। उत्साह और बड़ा है, पहले लगे तो उत्साह थम गया था, अभी यानी बड़ा है इसमें कोई शक नहीं है, पर हमेशा उत्साह भारतीय जनता पार्टी का आपका वोट ऑफ शेयर पहले से भी बड़ा है आगे भी बढ़ेगा। मैं अपनी तरफ से भी जो भी मेरी ताकत है पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर रहकर और लोगों से मिलकर उनकी जो जन समस्याएं है उनका निराकार करके पार्टी को मजबूत करने की पूर्ण रूप से मैं मेरा परिवार मेरा मित्र परिवार कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अत्यधिक यानी मतलब आगे की ओर हम अग्रसर देखेंगे, यही मेरी अपेक्षा है। दर्शकों जैसे कि आपने देखा कि दौलत कुंभवानी लाइव हम से मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, दौलत कुंभवानी ने सारी समस्या का हमेशा निराकरण करते थे जो कि जनता दरबार के थ्रू आते हैं लोग, तो ऐसी कोई भी समस्या है दर्शकों आप प्रभाग क्रमांक एक में जरी पटका में जो भी समस्या है तो आप कुंभवानी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कुंभवानी सर का नंबर हमारे स्क्रीन पर लाइव हो रहा है, उनका ऑफिस का कार्यालय का एड्रेस भी लाइव दिख रहा है, उसको देखकर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सर धन्यवाद आपका।